नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लगभग हर विद्वान ने अपने संदेशों में ये कहा है कि अकेला रहना सीखिए। आखिर अकेले रहने के पीछे क्या राज है? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अकेले रहने से आपके अंदर क्या गुण विकसित हो जाते हैं, अकेले रहने वाले लोगों में क्या क्या खूबियां हो जाती हैं, और अकेले रहने वाले लोग कभी जीवन में मात क्यों नहीं खाते हैं। सिर्फ चंद बातें हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोग ये कहते हैं कि अकेला रहना सीखिए। नंबर एक, अकेले रहने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अकेले रहने से लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और स्वयं पर निर्भर होना, अपनी क्षमताओं का विकास करना अकेले रहने से व्यक्ति जल्दी सीख जाता है। इसलिए अकेले रहिए और मस्त रहिए। नंबर दो, स्वाध्याय। अकेले रहने वाले लोग अपने समय का उपयोग खुद को जानने, खुद के बारे में सोचने और सीखने में खर्च करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज बन जाती है जो आगे उनको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है। नंबर तीन, स्वतंत्रता। अपने जीवन के निर्णय को लेने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना मार्ग खुद चुन सकते हैं। आपने जो मार्ग चुना है वो आपका अपना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं, उस हिसाब से ज्ञान भी अर्जित करते हैं, इसलिए आप जल्दी तरक्की कर जाते हैं। नंबर चार, अंतर्निहित शांति। अकेले रहने से आत्मा को आंतरिक शांति और स्थिरता मिल जाती है, जो लोग करोड़ों खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते वो आप अकेले रहने से सीख जाते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत कर लेते हैं, आप में स्थिरता आ जाती है और आप प्रैक्टिकल इंसान बन जाते हैं। ये अकेले रहने का गुण है। नंबर पांच, समय की आपूर्ति। अकेले रहने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और आवश्यकता के हिसाब से समय का अच्छा प्रबंधन सीख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि समय की क्या वैल्यू है और हमें किस चीज की कब जरूरत है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सब कोई भी व्यक्ति अकेला रहने से आसानी से सीख जाता है। इसलिए हर शास्त्र में, हर विद्वान के मुंह से ये चीज निकलती है, अकेले रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, किसी के कंधे पर रखकर जिंदगी को संवारने की कोशिश मत कीजिए, सहारा मत ढूंढिए। सिर्फ ये पांच बातें ही हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है। आत्मनिर्भर, स्वाध्याय, स्वतंत्रता, अंतर्निहित शांति और समय का प्रबंधन। ये सब पांच बातें अगर जीवन में आपने सीख ली, इन पर आपने काम कर लिया, तो आप एक विद्वान व्यक्ति बनेंगे और जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां पर ले जाने की कोई आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए और अपने जीवन पथ पर इन पांच चीजों को लेकर आगे बढ़िए। देखिए, एक सुनहरा भविष्य, एक सुंदर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।